सो हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो गाइज, की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग नोट्स एप्लीकेशन का यूज़ कैसे कर सकते हैं। ये नोट्स एप्लीकेशन जो है वीवो के फ़ोन में होता है। अगर आप लोग इस नोट्स एप्लीकेशन को यूज़ करना सीख जाएंगे तो आप लोग जो है कोई भी टेक्स्ट मैसेज को इस वाले नोट पैड एप्लीकेशन में लिख के सेव कर पाएंगे। इससे जो है आप लोग का जो कोई भी मतलब बार बार कोई टेक्स्ट लिखना होता है तो आप लोग को उसको लिखना नहीं होगा। उस टेक्स्ट को जो है आप लोग कॉपी करके इस नोटपैड एप्लीकेशन में सेव कर देंगे तो जो है आप लोग उसको बार बार यूज़ कर पाएंगे। वापस से यहीं पर आके कॉपी कर करके उसको जो है बार बार यूज़ कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि इस एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करते हैं, यानी कि इस एप्लीकेशन का पूरा ट्यूटोरियल इस वीडियो में जो है हम लोग सीखने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को नोटपैड एप्लीकेशन को ओपन करना है एंड उसके बाद जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो किया जाता है। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई नोट्स नहीं है। कोई भी नोट्स हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो ये जो है ऑल ऑप्शन में यहाँ पर शो होगा। तो चलिए कुछ भी लिखते हैं। नोट्स लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद जो है यहाँ पर अपने नोट्स का टाइटल डालेंगे, जिस भी तरीके का हमारा नोट्स होगा। तो ये जो हमारा नोट्स है वो ऐसा ही है, तो हम लोग ऐसा ही लिख देंगे टाइटल में। तो लिख देते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारा टाइटल। एंड इसके बाद जो है इस टाइटल के अंतर्गत जो भी हम लोग नोट्स लिखना चाहेंगे वो नोट्स को अभी हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो कुछ भी जैसे लिख देते हैं, कुछ भी हमारा हो गया। इसमें जो है आप लोग बहुत सारे मतलब टेक्स्ट मैसेज का जो है आप लोग यूज़ करके लिख सकते हैं इस टाइटल के अंदर। तो आप लोग जो है, मैं यहाँ पर छोटा सा ही लिखा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखूँगा तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप लोग इस तरीके से जो है कोई भी टेक्स्ट मैसेज को इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी आप लोग यहाँ पर राइट क्लिक कर देंगे तो ये जो है इतना पर ही आप लोग का ये जो मैसेज है वो सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये जो नोट है वो हमारा यहाँ पर होम पेज पे आ जाएगा। अभी आप लोग चाहते हैं कोई दूसरा नोट यहाँ पर लिखना तो आप लोग फिर से प्लस आइकन पर क्लिक करके कुछ भी टाइटल लिख के यहाँ पर कोई भी नोट्स लिख के यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ से जो है इस तरीके से दूसरा तीसरा कितना भी नोट लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग जो है इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये जो है आप लोग को रिमूव करने का ऑप्शन, इनक्रिप्शन करने का ऑप्शन, मूव टू फोल्डर ऑप्शन और यहाँ पर पिन ऑप्शन, यहाँ पर चार ऑप्शन हमें दिए जाएंगे। तो रिमूव ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो है आप लोग इस नोट्स को डिलीट कर सकते हैं। इनक्रिप्शन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो है आप लोग इस नोट्स को इनक्रिप्शन में डाल सकते हैं। यहाँ पर मूव टू फोल्डर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो है आप लोग यहाँ पर कोई सा भी एक फोल्डर बना लेंगे तो उसके बाद जो है आप लोग इसको फोल्डर में मूव कर पाएंगे। और पिन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो है आप लोग इसको सबसे फ्रंट पर लेकर आ जाएंगे। जैसे पिन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ये जो है सबसे फ्रंट पर शो होता रहेगा, चाहे इसके नीचे हम लोग कितना भी नोट्स लिखें पर यह जो है हमारा पिन ही रहेगा, सबसे ऊपर शो करेगा। आप लोग कई ठो नोट्स जो है पिन कर सकते हैं तो इस तरीके से ये हो जाता है। तो उसके बाद जो है आप लोग यहाँ पर रिमूव ऑप्शन पर क्लिक करके किसी भी नोट्स को डिलीट करेंगे तो ये जो है ट्रैश में चला जाएगा। थ्री डॉट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो सेटिंग ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर रिसेंटली डिलीटेड का ऑप्शन होता है और यहाँ से चाहे आप लोग तो जो है इसको रिकवर भी कर सकते हैं। इसमें जाने के बाद 30 दिन तक ये जो है रहता है, उसके बाद जो है इसमें से भी डिलीट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये हो जाता है। अभी आप लोग चाहें तो इस पर क्लिक करने के बाद जो है इसमें और भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं। जैसे हमारा ये जो हो गया, इसको सिलेक्ट करने के बाद जो है थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इसको मैं, तो ये हमारा टेक्स्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और इसको जो है हम लोग इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो है इसमें काफ़ी कुछ कर सकते हैं हम लोग। जैसे हम लोग इसको बोल्ड कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। और इसको जो है हम लोग इटैलिक मोड में कर सकते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। और यहाँ पर जो है यू ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगा और यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है ये बीच से कट जाएगा। और इस पर क्लिक करने के बाद जो है हम लोग बैक में कोई सा भी कलर डाल सकते हैं बैकग्राउंड में। तो इस तरीके से हमारा ये हो जाता है, ठीक है। अभी आप लोग चाहते हैं कि टेक्स्ट का साइज़ जो है बड़ा हो तो इसके लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो है इसको बड़ा करेंगे तो टेक्स्ट का साइज़ जो है वो भी बढ़ जाएगा। आप लोग चाहें तो अपने मर्ज़ी के हिसाब से ये सब सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया। अभी आप लोग डू टू ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो है इसको चेक्स बॉक्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। कोई भी नोट आप लोग लिखे हैं 3-4 पॉइंट हो तो आप लोग जो है डेली के डेली इस पर क्लिक करके जो है कुछ कर सकते हैं अपना। और इसके साथ हमें इमेज ऑप्शन का मिलता है, इमेज ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो है हम लोग एल्बम से भी कोई फ़ोटो अटैच कर सकते हैं इसमें और यहाँ से है कोई सा भी पेंटिंग ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कलर सारे ऑप्शंस मिलते हैं हमें। तो इस तरीके से कलर सेलेक्ट करने के बाद इसका साइज़ बड़ा छोटा करने के बाद जो है
यहाँ से हम लोग इसको कर सकते हैं, कलर वगैरह कुछ भी ड्रॉ करके लिख सकते हैं। और यहाँ से अंडू ऑप्शन भी इसमें हमें मिलता है और रिस्टोर ऑप्शन पे भी मिलता है। और यहाँ से जो है इरेज ऑप्शन मिलता है, हम लोग कुछ भी इरेज कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं ड्रॉ करने के बाद। और यहाँ से जो है थोड़ा सा इरेज करना चाहते हैं तो ये जो है इसको भी इरेज कर सकते हैं, देखिए। तो इस तरीके से टोटल ऑप्शन में हमें इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं। और यहाँ पर जो है ये रिमाइंडर है, आप लोग किसी भी चीज़ का रिमाइंडर लगाना चाहते हैं तो रिमाइंडर भी लगा सकते हैं। और उसके बाद जो है थ्री डॉट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद, मोर ऑप्शन में आने के बाद, यहाँ पर जो है आप लोग कोई सा भी रिकॉर्डिंग अटैच कर सकते हैं इसमें। यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग कोई सा भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग करने के बाद जो है आप लोग के मीडिया फाइल में भी ये रिकॉर्डिंग शो होगा। तो इस तरीके से आप लोग रिकॉर्डिंग भी अटैच कर सकते हैं। और यहाँ से स्किन्स ऑप्शन में आने के बाद, ये जो पूरे पेज का बैकग्राउंड है कलर जो है, इसको भी आप लोग चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे बैकग्राउंड्स ऑलरेडी हैं तो आप लोग इनमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा ये हो जाता है। अभी आप लोग कोई सा भी टेक्स्ट मैसेज लिख दिए हैं और आप लोग उसको अंडू करना चाहते हैं, एक कदम बैक जाना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक कर करके आप लोग जो है बैक जा सकते हैं। और उसके बाद जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्क करके एक ऑप्शन हो रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे आप तो यहाँ पर जो है मार्केट हो जाएगा। इससे आप लोग जैसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई सा भी मतलब आप लोग को उस नोट्स को अलग से पहचानना है तो आप लोग इसको मार्क कर देंगे तो यहाँ पर ही शो होता रहेगा, तो इससे पहचानने में काफ़ी ज़्यादा मतलब आसान होता है। तो इस तरीके से आप लोग इसको मार्क भी कर सकते हैं। और इस नोट्स को डिलीट करने के लिए आप लोग इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो है रिमूव ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। अनपिन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो पिन नहीं रहेगा, सबसे नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये है, आप लोग इसको रिमूव भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप लोग नोटपैड एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट तरीका मैं कुछ आप लोग को बता देता हूँ। जैसे आप लोग रास्ते में चल रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कोई भी आप लोग के माइंड में आइडिया आता है तो इसको लिखने के लिए आप लोग जो है इस नोटपैड एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और यहाँ से कुछ भी लिख पाएंगे। और उसके बाद जो है आप लोग यहाँ पर इस पर भी लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये जो है न्यू नोट करके ऑप्शन शो होगा, आप लोग इस पर क्लिक करके डायरेक्टली नोट लिख सकते हैं। और यहाँ से बैक चले जाने के बाद आप लोग उस लिखे गए नोट्स को वापस से देख पाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग जो है नोटपैड एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। और आप लोग सेलेक्ट ऑल करने के लिए यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट ऑल हो जाएगा और इस तरीके से डिलीट भी कर पाएंगे। ये नोट्स एप्लीकेशन उन्हीं के फ़ोन में होगा जिनका फ़ोन जो है वीवो का होगा, तो वीवो वाले फ़ोन में जो है ये नोट्स हमें मिलेगा। तो अगर आप लोग का वीवो का फ़ोन है तो आप लोग यूज़ कीजिए इसको। इस वीडियो में मैं इसी एप्लीकेशन का ट्यूटोरियल बताया हूँ। और अगर आप लोग को कोई और भी एप्लीकेशन का ट्यूटोरियल चाहिए होगा तो कमेंट में बताइएगा। और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो गाइस इस वीडियो में केवल इतना ही। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।